हे गाइस, दिस इज मी योर होस्ट, योर दोस्त प्रेरणा शर्मा, एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं तिल पापड़ी या तिल पट्टी, जो भी आप इसको बोलना चाहें वो आप इसको बोल सकते हैं। और मैंने इसको बनाया है डायमंड शेप में, मैंने इसको कट किया है लाइक काजू कतली। सो आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। और विंटर सीजन अभी चल रहा है, तो विंटर सीजन में कहा जाता है कि जितना तिल खाएं उतना बॉडी के लिए अच्छा होता है। तिल इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक पैन, और इस पैन में हम सबसे पहले डालेंगे तिल, जो कि मैंने यहाँ पे लिए हैं अ बोल ऑफ तिल। हमें यहाँ पे तिल को सेकना है बहुत ही लो फ्लेम पे, पूरा ड्राई रोस्ट करके लेना है हमें इसको, ताकि यू नो थोड़े से क्रैकल जब हमारे तिल जो है होने लग जाएंगे, तो समझ लीजिएगा आपके तिल सेक के रेडी हो चुके हैं। इस प्रोसेस में करीबन लगेंगे आपको 3 से 4 मिनट। सो यहाँ पे हमारे तिल जो हैं ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे और कर लेंगे इनको ठंडा। सो गाइज, यहाँ पे अब सेम पैन में मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है शक्कर। शक्कर मैंने ली है यहाँ पे 3/4 कप, और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा लाइक 8 to 10 tablespoons ऑफ वाटर। लाइक अगर आप शक्कर ले रहे हैं, समझिए आपका मेजरमेंट जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आप अगर आपने 1 कप शक्कर ली है तो उसमें 1/4 कप पानी डालना है। और शक्कर मैंने यहाँ पे ली है, जितना हमें तिल लिया है उतनी ही हमें शक्कर लेनी है। और आप चाहें तो शक्कर का जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हमें बनानी है इसकी एक 3 तार की चाशनी, और या तो फिर आप बोल लीजिए जैसे कि हमने चिक्की वाला वीडियो बनाया था, इफ़ यू रिमेम्बर गाइस, तो मैंने टेस्ट किया था जैसे कि गुड़ को पानी में डाल के, उसी तरह से हम आज भी उसी तरह से सेम टेस्ट करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे सिम गैस पे हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, और जब तक हमारी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाएगी तब तक इसको चलाते रहना है। यहाँ पे मैंने इन बिटवीन ऐड कर दिया है 1/2 tablespoon ऑफ लेमन, और साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है 1/4 tablespoon ऑफ कार्डमम पाउडर जस्ट फॉर फ्लेवर, यानी कि इलायची का पाउडर। और यहाँ पे अब हमारी चाशनी जो है अच्छे से गाढ़ी होने लग गई है, और मुझे लग रहा है अब इट्स टाइम टू चेक, एक हम टेस्ट कर लेते हैं अभी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, उसमें लिया है थोड़ा सा पानी, और थोड़े से ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे हमारी चाशनी के, एंड देन उसको हम इकट्ठा करके और ब्रेक करके देखेंगे। अगर वो आराम से ब्रेक हो रही है, कड़क आवाज़ आके वो ब्रेक हो रही है, इट मीन्स आपकी चाशनी रेडी है। और अगर वो खिंच रही है रबर की जैसे, इट मीन्स आपकी चाशनी को थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो यहाँ पे जो है हमारी जो चाशनी है बिल्कुल रेडी है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, इस तरह से हम एक प्लेन बोल लेंगे, और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से इसकी आवाज़ आ रही है, कितनी कड़क इस तरह से इसकी आवाज़ आनी चाहिए, लाइक कुछ शीशे की ऐसी आवाज़ जो होती है अगर हम किसी चीज़ में डालते हैं। तो इट मीन्स हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। सो गाइज, एट दिस पॉइंट हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से, मैंने यहाँ पे डाले हैं पिस्ता लाइक 1.5 tablespoons बारीक चॉप करके मैंने डाले हैं, और साथ ही में हम इसमें तिल ऐड कर देंगे जो कि हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे। और अब हम हमारी गैस की फ्लेम जो है कर देंगे ऑफ, और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया है एक बटर पेपर पे, जिसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये गाइस हमें पहले से रेडी रखना है, क्योंकि जब हमारा ये मिक्सचर बन जाता है तो अगर हम इसको थोड़ी देर भी छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। अब हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये गर्म गर्म में ही सारा प्रोसेस करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अदरवाइज़ मिक्सचर जो है बहुत हार्ड हो जाएगा। तो मैंने अब लिया है 1 more पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर आप इसको बोल सकते हैं, उसको भी मैंने अच्छे से ग्रीस करके रखा था, और उसको मैंने जो हमारा मिक्सचर है उसके ऊपर रख दिया है। और इसको अब हम रोलिंग पिन से थोड़ा रोल आउट करेंगे, बेलन से हम इसको बेल लेंगे, जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला आप इसको बेल लीजिए। और गाइज, ये जो प्रोसेस है वो आप अगर पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर पे नहीं करना चाहते हैं तो आप आपके प्लेटफॉर्म पे भी थोड़ा सा उसको ग्रीस कर सकते हैं, और आप वहीं पे उसको बेल लीजिए। आप चाहें तो स्टील की किसी प्लेट के बैक साइड पे उसको टर्न करके, यानी कि थाली के पीछे वाली साइड पे भी आप उसको थोड़ा ग्रीस कर लीजिए और उसको बेल लीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पार्चमेंट पेपर पे ही फ्लैटन आउट करें। सो गाइज, यहाँ पे हमने अच्छे से रोल आउट कर लिया है हमारे मिक्सचर को, अच्छे से बेल लिया है। कहीं कहीं से अगर आपको लग रहे हैं किनारे अगर थोड़े मोटे हैं तो आप वापस से ऊपर वाला बटर पेपर वापस से उस पर रख दीजिए और एक बार और फ्लैट कर लीजिए।
बस आपको याद रखना है कि इक्वल साइड्स होने चाहिए, उसके एजेस सब इक्वल होने चाहिए। और अब यहाँ पे हमारा बेल के हो गया है और ऊपर वाला जो पार्चमेंट पेपर है उसको हम निकाल देंगे। और उसके बाद और हमारा जो तिल का जो पापड़ बनके रेडी हुआ है उसको हम सेट होने के लिए रख देंगे जस्ट फॉर हाफ एन आवर, एंड देन उसको हम कट कर लेंगे। अच्छे से रिमूव हो जाता है इसका बटर पेपर भी, एंड देन हम कर लेंगे हमारी प्लेटिंग। गाइस एट दिस स्टेज अगर आप चाहें थोड़ा सा और इसको गार्निश करना, तो अब इस टाइम पे आप इसके ऊपर थोड़े से फाइनली चॉप पिस्ताचियो डाल के और उसको थोड़ा सा ना बेलन से थोड़ा सा बेल दीजिए ताकि आपकी जो पिस्ता है वो अच्छे से उसके ऊपर सेट हो जाए। सो हियर आई एम रेडी विद माय प्लेटिंग आल्सो। सो देखिए मैंने थोड़ा सा इस पर पिस्ता डाल के इसको थोड़ा सा रोल आउट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने हमारी जो हमने बनाई है तिल पापड़ी उसको मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है क्योंकि मुझे इसे काजू कतली का शेप देना था। आप चाहें तो इसको बिल्कुल पतला कर सकते हैं और अपने मन की इच्छा के हिसाब से जैसा भी आपको उसको शेप देना है आप इसको कर सकते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी हमारी तिल की जो पापड़ी है वो बनके रेडी हुई है। और वन मोर थिंग, अगर मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सेका है क्योंकि मुझे थोड़े ब्राउन सिके हुए ब्राउन ब्राउन तिल अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं और इसका टेक्सचर वाइट रख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो गाइज तिल जो होते हैं आप सभी को पता है सर्दियों में खाना चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं सभी की हेल्थ के लिए क्योंकि इसमें होता है बहुत सारा कैल्शियम जो कि हमें हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो बस आज की रेसिपी मेरी यही थी, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। सो गाइज फ्यूचर में भी इसी तरह से मेरे वीडियोस को एंजॉय करते रहने के लिए आपको करना है मेरा एक छोटा सा काम, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन पाए। और स्टे ट्यून्ड विद मी क्योंकि मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत सारे हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी। सो बस आप जुड़े रहिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ। और बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। सो अब मैं मिलती हूँ आपको मेरे नए एक्साइटिंग से डिलीशियस से हेल्दी से वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।